वेलकम स्टूडेंट्स इन द चैप्टर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बच्चों इसका डेफिनेशन देख लीजिए। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंट टुगेदर, जब आपस में ज्वाइंट करते हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जब डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, ठीक है, ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया बेसिकली इसका एक डेफिनेशन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है क्या। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है आपस में ज्वाइन करते हैं टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर मतलब कंबाइन करते हैं, तो जो बनता है दैट इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपलीफाई से हम इसे सिंपल तरीके से इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनता है, किस प्रोपोर्शन में वो जुड़ते हैं, वो आपको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेंगे वाटर का। तो कंपाउंड ले लिया हमने वाटर। ठीक है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली जो एलिमेंट्स के एटम्स कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन। देखिए वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसके एटम्स जो है प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स जो प्रेजेंट रहते हैं, फॉर्मूला इनका बनता है H2O। ठीक है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो प्रेजेंट रहता है, ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला आपसे पूछे तो बताएंगे आप H2O। ठीक है, तो वाटर के फॉर्मूले में कौन कौन से एलिमेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं, तो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक। ठीक है, तो H2O इज द फॉर्मूला ऑफ द वाटर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो है हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल तरीके से इसे सिंपल रेशियो में इसे जस्टिफाई करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए वाटर का फॉर्मूला जो है वो है H2O। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एटॉमिक मास जो है वो याद रखना है, एटॉमिक मास से हम सिंपल रेशियो निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक ही होता है, तो हाइड्रोजन कितने स्टूडेंट्स, दो हाइड्रोजन है। ठीक है, अब दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, दो हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 16U मतलब यूनिफाइड मास, तो देखिए 2:16। ठीक है, ये कर देंगे, अब 2:16 जो है किसका रेशियो निकल गया, H2O का। H2O का जो ये रेशियो निकला है इसके अंदर जो है इसे हम जस्ट इसे जो है सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, 2:16 को 1:8 जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, 1:8 लिख सकते हैं ना, तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम ये कहेंगे दिस इज द रेशियो बाय मास, ये जो हमने निकाला है दैट इज द रेशियो बाय मास। इस तरह से हम इसका रेशियो बाय मास जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो वाटर का स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछते हैं कि भाई कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वाटर में, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आपसे पूछते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे H2O। और इसका पूछते हैं कि भाई रेशियो बाय मास क्या होता है, तो स्टूडेंट्स H2O का रेशियो बाय मास निकालोगे 1:8। समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो ये है, आपको तीन कंपाउंड समझाऊंगा मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, आपको तीन कंपाउंड जो है वो समझने हैं। ठीक है, अब अगला है अमोनिया। अमोनिया ठीक है, अगला कंपाउंड कौन सा है हमारा, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है नाइट्रोजन, ठीक है, एक होता है हाइड्रोजन। याद रखने स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ तीन कंपाउंड आपको याद रखने हैं। ठीक है, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, तीन कंपाउंड आप याद कर लीजिए, अभी इस 9th क्लास में सफिशियंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन स्टूडेंट्स इसका हम बना देते हैं NH3, अमोनिया का फॉर्मूला। फॉर्मूला ये यूनिवर्सली बेस्ड ट्रूथ है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद ही करना होगा। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन नेम है। तो देखिए स्टूडेंट्स
अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के बनता है, फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, अब इसका रेशियो बाय मास निकालेंगे तो नाइट्रोजन का मास जो होता है दैट इज द 14 और हाइड्रोजन का 3। तो सिंप्लीफाई इसे और नहीं कर सकते हैं क्योंकि 14:3 ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये हमारा रेशियो बाय मास निकल गया अमोनिया का। ठीक है, तो अमोनिया का पूछे कि भाई फॉर्मूला क्या है, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स लगे हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है एटम्स जो है इसके अंदर लगे होते हैं। ठीक है, इसका रेशियो बाय मास क्या है, 14:3। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये लास्ट कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स लगे होते हैं, देखिए कार्बन होता है और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड में मिलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बना देते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाई मतलब दो, ऑक्सीजन हो गया 2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, सब बच्चों को याद होना चाहिए, 12 होता है। ठीक है, मैंने 1 से लेकर के 20 तक आप बच्चों को बताया है कि इसे याद करने जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है तो 16:32। ठीक है, तो 12:32 इसे स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कैसे करोगे, ये हो जाएगा 3:8, सिंप्लीफाई हो जाएगा ना ऐसे। ठीक है, 4 3 12 और 4 8 32। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 4 से हम इसे कर देते हैं तो 3:8 जो है वो सिंप्लीफाई रेशियो बन जाएगा, रेशियो बाय मास किसका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये दिस इज द रेशियो बाय मास ऑफ द वाटर 1:8। ठीक है, अमोनिया का हो गया 14:3। ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया 3:8, ये वाला कंसिडर करेंगे, ये नहीं। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के जो है रेशियो बाय मास जो है वो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्टूडेंट्स इन सब चीजों को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है जब आपस में ज्वाइंट टुगेदर ज्वाइंट करते हैं तो एक डेफिनेट प्रपोर्शन में जो है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनता है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं वो मैंने 3 एग्जांपल लिए, एक तो वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स लगे हैं तो फॉर्मूला होता है H2O। तो सिंप्लीफाई कर दिया इनके मास के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2:16 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सिंप्लीफाई 1:8। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, एलिमेंट्स 2 लगे होते हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये हो गया NH3, ये हो गया इसका सिंपलेस्ट रेशियो। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया सिंपलीफाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जस्टिफाई करके इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।